हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शक्षु पटल पर। पूर्णिमा के दिन क्यों मनाई जाती है देव दीपावली, आइए जानते हैं पौराणिक कथा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन नदी स्नान और दीपदान का बहुत महत्व होता है, साथ ही गंगा आरती का भी आयोजन किया जाता है। देव दीपावली की आप सभी को मंगलमय हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन देवता स्वर्ग लोक से उतर कर दीपदान करने पृथ्वी पर आते हैं, इसीलिए इस दिन को देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। यह पर्व दीपावली के 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। काशी में देव दीपावली मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करके देवताओं को स्वर्ग वापस लौटाया था। तारकासुर के वध के बाद उसके तीनों पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का प्रण किया। उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की और सभी ने एक एक वरदान मांगा। वरदान में उन्होंने कहा कि जब ये तीनों नगर अभिजीत नक्षत्र में एक साथ आ जाएं, तब असंभव रथ असंभव बाण से बिना क्रोध किए हुए कोई व्यक्ति ही उनका वध कर पाए। इस वरदान को पाए त्रिपुरासुर अमर समझ कर आतंक मचाने लगे और अत्याचार करने लगे। उन्होंने देवताओं को भी स्वर्ग से वापस निकाल दिया। परेशान देवता शिव की शरण में पहुँचे। भगवान शिव ने काशी में पहुंचकर सूर्य और चंद्र का रथ बनाकर अभिजीत नक्षत्र में उनका वध कर दिया। इस खुशी में देवता काशी में पहुंचकर दीपदान किए और देव दीपावली का उत्सव मनाए। देव दीपावली को लेकर मान्यता है कि देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु चतुर्मास की निद्रा से जगते हैं और वैकुंठ चतुर्दशी को भगवान शिव से मिलन करते हैं। इस खुशी में देवी देवता काशी में आकर घाटों पर दीपक जलाते हैं और खुशियां मनाते हैं। इस उपलक्ष्य में काशी में विशेष आरती का आयोजन किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने तारकाक्ष कमलाक्ष विद्युन्माली के त्रिपुरों का नाश किया था। त्रिपुरों का नाश करने के कारण ही भगवान शिव का एक नाम त्रिपुरारी भी प्रसिद्ध है। इस दिन गंगा स्नान तथा सायंकाल दीपदान का विशेष महत्व है। इसी पूर्णिमा के भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। कार्तिक माह में लोग गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। कार्तिक महीने के दौरान गंगा में स्नान करने की शुरुआत शरद पूर्णिमा के दिन से होती है, कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होती है। कार्तिक पूर्णिमा उत्सव 5 दिनों तक चलता है। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।